FBR को बंद कर दें, मुल्क तरक्की की राह पर दौड़ेगा। रियल स्टेट प्लेयर्स अंजुमन ताजरान की इस्लामाबाद में दावों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान सरदार ताहिर महमूद और चेयरमैन मसरत एजाज का हुकूमत से स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने का मुतालबा। 1,000 अरब टैक्स देने का वादा। आबाद के चेयरमैन आरिफ जीवा और सदर DHA कराची एसोसिएशन जौहर इकबाल का कहना था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी कराई जाए। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साकिब रफीक ने कहा, टैक्सों की भरमार आइन शिकनी है। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा, ताजर चोर नहीं FBR चोर है, हुकूमत होश के नाखून ले। ये कारोबार पुश बजट है, ये लोगों को मजीद पुश करेगा कि दुबई मलेशिया और तुर्की के अंदर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। बजट का ताल्लुक है 9,775 अरब रुपए आपने अपनी जो किस्त लोन की आपकी वो भी हमसे लो गया। 9,775 अरब रुपए का हमारे ऊपर ये जो है एक उन्होंने बोझ डाला है। बिजनेसमैन कम्युनिटी को इज्जत देना चाहते हैं तो FBR को बंद करें, और जिस दिन FBR बंद हुआ मैं गारंटी करता हूँ पाकिस्तान के रेवेन्यू में 10% इजाफा हो जाएगा। रियल सेक्टर को इंसेंटिव दिए जाए तो काम करने का मौका दिया जाए, ना कि ये कि टैक्सेस का भरमार कर दें। इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री जमूर का शिकार हो चुकी हुई है। आज जो है कराची से खैबर तक रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट डेवलपर, रियल एस्टेट बिल्डर सबका सब एक हो चुका है। तो ताजर चोर है, ओ भाई चोर पे FBR है। 17,000 अरब रुपया ताजर देते हैं टैक्स, जब तक FBR का या हुकूमत का घेराव नहीं करेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। FBR और कारोबारी तबका एक साथ नहीं चल सकते। ये इतनी ग्रेवेंसिव है FBR के लिए कि लोग परेशान है उनकी पॉलिसीज की वजह से और उनके डिसीजन की वजह से। उनके पिछले 2 साल की बजट की कार्रवाइयां उन्होंने कारोबारी अंदाज बता दी है। बिजली दो, पानी दो।